आज से सब महंगे लोशनों की होगी छुट्टी। अब हम घर पे बनाएंगे अपना बेहतरीन सा बॉडी लोशन, अमेजिंग सा लोशन, जिसकी वीडियो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल चिट चैट मसाला। में आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत बेहतरीन सा बॉडी लोशन की शेयर करूंगी रेमेडी, जो इतना अमेजिंग इसके रिजल्ट है ना, जब आप ने बनाएंगे ना आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। क्योंकि आज के ठंडे ठंडे मौसम में, इस वेदर में हमें बॉडी लोशन की बहुत नीड होती है, और बाज़ार वाले तो बिल्कुल भी इतने इफ़ेक्ट नहीं करते, थोड़ी देर के बाद ड्राइनेस वापस आ जाती है। लेकिन आज की वीडियो में आपके साथ अच्छा सा शेयर करूंगी, वीडियो आपने फुल वॉच करनी है। चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक नीट एंड क्लीन बोल चाहिए, तो आप वो शीशे का लीजिएगा, प्लास्टिक का नहीं हमें चाहिए। और इसमें हम ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के करीब, कोई सा भी आप लोशन ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास बेबी लोशन है तो वो ऐड कर दें, नहीं तो आप कोई सा भी बॉडी लोशन यूज़ कर सकते हैं। इसको हम बेस बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, और इसमें हम 2 से 3 टेबलस्पून ही एलोवेरा जेल ऐड कर देंगे। हमें होममेड एलोवेरा जेल नहीं चाहिए, कोई सी भी ब्रांड आप यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन एलोवेरा तो आजकल हर घर में ही होती है, तो इससे बेहतरीन सा हमारा लोशन रेडी होगा। एलोवेरा के बेनिफिट से तो सब भी वाकिफ़ होंगे। और इसमें हमने अब 2 टीस्पून के करीब ग्लिसरीन ऐड कर देनी है, ये भी आजकल हर घर में इजीली मिल जाती है, कोई इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। ये ग्लिसरीन ऐड करके ये हमारे फेस को इतना सॉफ्ट करती है ना, ग्लिसरीन इतनी शाइन ग्लोसी करती है, बच्चों की जैसी हमारी स्किन कर देगी। इतना बेहतरीन सा लोशन जब हम घर पर तैयार कर सकते हैं, तो क्यों हम इतना एक्सपेंसिव लोशन बाज़ार से लें, जिसके 3 से 4 आवर्स के बाद कोई फ़ायदा नहीं, फिर से ड्राइनेस वापस आ जाती है। और ये आपकी पॉकेट पे भी इतना हैवी नहीं होगा, कम बजट में इतना बेहतरीन सा लोशन रेडी हो जाएगा। आप बच्चों बड़े सब इसको यूज़ कर सकते हैं, फेस पे भी इवन के अप्लाई कर सकते हैं। हाथों पैरों को ड्राइनेस से नहीं बचाएगा, बल्कि इनको गोरा गोरा सा भी कर देगा। ऐड करके हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, फिर हम इसमें और चीज़ें ऐड करते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें चाहिए होंगे 2 विटामिन ई के कैप्सूल, जो इजीली मिल जाते हैं। अगर आपके पास विटामिन ई ऑयल है तो वो ऐड कर दें। इस टाइनी से कैप्सूल्स के बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं, ये हमारी स्किन को रिंकल फ्री करेगा इस ड्राइनेस के मौसम में। और अब हम इसमें 1 टीस्पून कोकोनट ऑयल ऐड कर देंगे, इससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। कोकोनट ऑयल ऐड करने से ये हमारे स्किन पे कोई भी दाग धब्बा उसको रिमूव करता है, हमारी स्किन को एक लाइट कलर में लेके आता है, और स्किन पे ग्लो लेके आता है। अगर आपकी स्किन ज़्यादा ऑयली है तो 1/2 टीस्पून आप ऐड कीजिएगा, और अब हम इसमें 2 व्हाइटनिंग कैप्सूल ऐड कर देंगे। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल चिट चैट मसाला को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही लगी बेल को भी क्लिक कर दिया करें। इससे आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, क्योंकि इस तरह की बहुत अच्छी अच्छी सी मैं वीडियोस शेयर करूंगी, जिसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा अगर आप बेल को क्लिक करेंगे। अब हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है, जितने अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे ना, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये बहुत अच्छे से मिक्स होना चाहिए। उम्मीद है जी आपको ये वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरी वो हैंड एंड फिट वाइटनिंग क्रीम की वीडियो नहीं देखी तो वो भी ज़रूर वॉच कीजिएगा, मैं एंड स्क्रीन पे उसका लिंक ऐड कर दूंगी। आपके साथ बातों बातों में मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स किया, और फिर एक खाली बोतल ली, MTC कोई सी भी आप लोशन की बोतल तो होती है, उसको ले के नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, और उसमें हम ये लोशन ऐड कर देंगे। ऐड करके अच्छे से शेक कर लेंगे। देखिए हमारा अमेजिंग सा होममेड लोशन रेडी हो गया, व्हाइटनिंग लोशन। आप इसको पंप की हेल्प से अपने हैंड एंड फीट पे अप्लाई करें, फेस पे अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपको इसके सुपर अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। मैं आपके साथ हमेशा वही रेमेडी शेयर करती हूँ जो मैं खुद अप्लाई करती हूँ। आज से महंगे लोशनों की होगी छुट्टी, अब हम घर पे बनाएंगे एक बेहतरीन सा लोशन। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी, कम सी चीज़ों के साथ हमने बेहतरीन सा लोशन रेडी किया। इतनी अच्छी और अमेजिंग सी वीडियो के लिए लाइक तो बनता है, और मेरे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।